तो फोनिक्स क्या होता है, कौन बताएगा? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। एक बच्चा बोलो तो सुनाई देगा, हर सेंटर से एक बच्चा, कोई भी बच्चा बोले। साउंड, साउंड किस चीज का साउंड? ये भी तो साउंड है, ये किस चीज का साउंड है? वेरी गुड। किसका साउंड? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होते हैं? लेटर्स। कौन से लेटर्स? वेरी गुड। ए बी सी डी। फोनिक्स का मतलब होता है बेटा, फोनिक्स का मतलब जब हम किसी चीज की साउंड, उसका जो साउंड है, उसकी जो आवाज है, उस आवाज को जब हम किसी चीज के साथ मिलाते हैं, हमें हमें पता है कि ये किसकी आवाज है, पानी की, क्योंकि हमें पता है कि ये ताली की आवाज है। अच्छा, एक और आवाज, किसकी आवाज? सीटी की। हमें पता है ये सीटी की आवाज है। तो जब हमें पता होता है कि ये किस चीज की आवाज है, यानी कि उसकी आवाज और हमें पता है किस चीज की आवाज, ऐसे ही हमें पता है कि हमारे पास वो अल्फाबेट कहाँ रखे बेटे वाले? ऐसे ही हमें पता है हमारे पास ये क्या है, पर इन हर अल्फाबेट की क्या है? अपनी एक आवाज है, अपनी एक साउंड है। तो इस साउंड को हम कहते हैं फोनिक्स। क्या कहते हैं? इतनी जोर से बोला है इन्होंने, तो इस साउंड को हम कहते हैं फोनिक्स। और ये फोनिक्स हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। एबीसीडी पढ़ लो ना। हमें लेटर्स के साउंड्स पता हो तो हम रीडिंग हमारी आसान हो जाती है। क्या होता है कबीर? फोनिक्स सीखने से क्या होता है कबीर? रीडिंग इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, वेरी गुड। अब इस क्लास के कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है? ओके, क्या है कुछ हमारी क्लास के रूल्स? जब मैम कुछ बोल रही है तो हमारे कान क्या रहेंगे? वेरी गुड। कान क्या रहेंगे? तो जरा कान पे हाथ लगाइए, कान खोलिए अपने, सब सबके कान, हाथ कहाँ होने चाहिए? वेरी गुड। कान खोल के सुनेंगे। और जब बच्चे बोलेंगे तो मैम कान खोल के सुनेंगी, ना मैम भी कान खोल के सुनेंगी, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो मैम यहाँ थी, किसके लिए नहीं? तो जब मैं बोलूंगी तो आप सुनेंगे, और अगर आपको कुछ पूछना है और कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुनीता डांटने में बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो अपना हाथ खड़ा करेंगे ऐसे। और ये खाली बच्चों के लिए भी नहीं है, तो मेरे साथ मेरी ये कुलीग्स वहां पे हैं, टीचर्स हैं, सारी टीचर्स भी, मैम कोई चीज समझ ना आए तो हाथ खड़ा करके रोकिए मुझे और पूछिए, ठीक है? मेरे बच्चों को समझ आ गया ये? और ये मेरे पूना के सारे बच्चों को समझ आ गया? ये कौन सा सेंटर है? वैद्यवाड़ी सेंटर। समझ आया मैंने क्या कहा? ये वैद्यवाड़ी सेंटर बोल ही नहीं रहा है ना, हाँ ना ना, कुछ भी नहीं बोल रहा। हाँ, जब तक आप बोलोगे नहीं तो मैम आगे बढ़ेंगी नहीं, तो बोलना जरूरी है सबका, लेकिन तब मैम पूछेंगी। सारे सेंटर्स को मेरी बात समझ आ गई? ये नहीं कि मैम पढ़ाती जा रही है, पढ़ाती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं उसका।
हम हाँ चाहे धीरे धीरे करेंगे लेकिन करेंगे समझ के। क्या समझ करेंगे? वेरी गुड। तो नहीं समझ आए बेटा तो घबराना नहीं, इतना है। ओके ओके। लेकिन आपस में बात नहीं करना। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक ये ठीक है। तो क्या हम शुरू करने के लिए तैयार हैं? ओके बेटा, बच्चा कबीर, आप तो पुराने स्टूडेंट हो मेरे बेटू, सारे बच्चे नहीं है ना, तो उनको बताना जरूरी था। तो चलिए आज, अच्छा ये बताइए, ए टू जेड सब कोई ऐसा बच्चा जिसको तो ए टू जेड नहीं आता हो तो हाथ खड़ा करिए। खराड़ी सेंटर, क्लास क्लास, नेहल मैम, आप बच्चों को ए टू जेड आता है? बोला नहीं पानी मैम आपको क्लास के साथ रहना पड़ेगा, अपना फोन को बंद करिए क्लास की तरफ। ओके ओके मैम, सॉरी। तो आप मेरे को बताइए आपके बच्चों को ए टू जेड आता है? ओके एक्सीलेंट। सारे सेंटर्स में ए टू जेड आता है? टीचर्स प्लीज गिव मी अ थम्स अप। वेरी नाइस एंड यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम ए बी सी डी करके नहीं करेंगे, हम आज करेंगे। क्या करेंगे? नहीं पता, पहले बताओ क्या करेंगे। फर्स्ट प्लान हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लान यानी के पहले ऐसे छह अल्फाबेट इंग्लिश के करेंगे जिनकी साउंड हम आज करेंगे। अच्छा, मेरे साथ साथ सब हाथ को ऐसे घुमाएं, ऐसे करो हाथ को, शाबाश। टीचर्स भी करेंगे ऐसे, टीचर्स के भी हाथ नजर आने चाहिए ऐसे। तो क्या बनाया हमने ऐसे? नहीं क्या बनाया? अच्छा, आपकी आवाज नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं। क्या बनाया हमने ऐसे? कौन सा लेटर है ये? वेरी गुड, ये है लेटर। ऐसे कौन चलता है? ऐसे 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 कौन चलता है? हाँ, तो कैसे आवाज निकलती है स्नेक की? सारे करेंगे मेरे साथ, अच्छा कैसे आवाज निकलती है? पर एक्शन भी साथ में, अब आवाज और एक्शन दोनों साथ में। अरे कितने सारे काम हो गए, कितनी सारी आवाज, शाबाश। टीचर्स भी करेंगी, सारी टीचर्स भी करेंगी, आवाज भी। अपना मैम आवाज के साथ, विद्या मैम आवाज के साथ। क्या मैंने सो बोला? क्या मैंने सो बोला? क्योंकि एक साउंड है अल्फाबेट एस का, लेकिन ये स नहीं है, ये है सांप का आवाज होती है। क्या आवाज होती है? वेरी गुड वेरी गुड। अब हम, हाँ बेटा बोले। हाँ माँ को क्या मेरी मास ठीक नहीं ठीक नहीं है? क्या हुआ? गया, ताप ओहो, ओके। तो
क्या हम एक स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? हो तो, अब तो कितने सबके जोर पे आवाज मतलब निकली, आवाज है ना, अब इतने जोर से आवाज निकली सबकी, यस। बच्चे अब स्टोरी देखनी है, बच्चों को देखोगे बस तो फिर ओके। लेकिन लेकिन इस स्टोरी में एक चीज सबको ध्यान रखते हैं, जहां पे भी एक साउंड आपको का सुनाई दे तो वहां सब बच्चे क्या करेंगे? हाँ, वहां पे साउंड करेंगे। वेरी गुड। तो ये किसकी स्टोरी है? किसकी स्टोरी? किसकी? नहीं नहीं ये स्टोरी स्टोरी। ओके, सबसे पहले तो शेयर स्क्रीन। चलो जी, सबको नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है? वेरी गुड। तो किसी ने मेरे को वो तो साउंड तो बताया ही नहीं। ओहो, चलिए, रेडी हैं स्टोरी के लिए? ओके, ओके ठीक है। स्टोरी ऑफ कहाँ चला गया ये? स्क्रीन नजर आ रहा है? बेटा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? मैंने क्या नजर आ रहा है? बादल। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। ओके, रेडी? ये है स्टोरी। स्टोरी है दिस। ओहो, चल गया ना कुछ? रुको रुको रुको। दिस स्टोरी कबीर, लिखना सिट प्रॉपरली कबीर। दिस स्टोरी इज अबाउट बॉय। यहां से नहीं रीड करेगा, अरे मैम जल्दी जल्दी फिनिश कर दो, अपना वो भी करना है। ओके कबीर अगर आप बातें करते रहोगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड सैम। अ बॉय नेम्ड सैम, यानी कि कहता है ये कहानी है
उस लड़के की जिसका नाम क्या था, नाम बताओ। ना वेरी गुड। सैम हैज अ पेट डॉग नेम्ड सैंडी। तो सैम का एक पालतू कुत्ता है, क्या है, एक पालतू कुत्ता है सैंडी, क्या नाम है, सैंडी। वेरी गुड। तो सैंडी को मिलिए सब, क्या सब सैंडी से मिलिए। वेरी गुड। हाँ, वन सनी डे सैम, वन सनी डे सैम टेक्स सैंडी फॉर अ वॉक इन द पार्क। एक दिन सैम जो है, एक दिन सनी डे, सनी डे क्या होता है, कौन बताएगा सनी डे क्या होता है। सनी क्या होता है सनी डे, हाँ, जिस दिन धूप निकलती है उसे हम बोलते हैं सनी डे। एक एक ऐसा दिन जिस दिन धूप निकली थी, सैम सैंडी को कहाँ ले जाता है, पार्क में। कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है सैंडी उसको, सैंडी को, पार्क में। वेरी गुड। और दे लाइक टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल पॉन्ड। कहता है दे लाइक टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल, बोलिए, दे लाइक टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल पॉन्ड, यानी कि एक छोटे से तालाब के किनारे उनको सैर करना अच्छा लगता था। क्या लगता था, अच्छा लगता था उनको किनारे सैर करना। वेरी सीज अ स्नेल, सैम ने क्या देखा, सैम सीज, सीज मतलब देखना, क्या देखा उसने, ये कौन सा सेंटर है ये विद्या पार्के मैम, ये बच्चे सुनको सुनाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है, टीचर्स प्लीज टेल मी। नहीं अर्चना मैम, कैन यू ओके, दिखाई कैन यू हियर मी क्लियरली। तो नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब मैं कुछ पूछूं तो अगर उसका जवाब आपको ठीक लग रहा है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर, ठीक है। तो ओके, सैम सीज अ स्नेल, सैम को क्या दिख रहा है, स्नेल। अभी आपने दिमाग में याद रखना है, मैं आपको और उसे क्या दिखा, स्क्वीकिंग माउस, क्या दिखा, स्क्वीकिंग माउस, कैसा माउस, स्क्वीकिंग माउस, स्क्वीकिंग माउस मतलब चू चू करता हुआ चूहा। और उसे क्या दिखा, चूहा, कैसा चूहा, चू चू करता हुआ चूहा, ठीक है। और उसे चूहे से पहले उसे क्या नजर आया था, स्नेल नजर आया था। वेरी गुड। एंड अ बर्ड सिटिंग इन इट्स, और उसे एक चिड़िया नजर आई, वो किस पे बैठी थी, घोंसले में। सिटिंग, सिटिंग किससे स्टार्ट होता है, सिटिंग, सिटिंग यानी कि बैठी हुई। और उसने एक चिड़िया को देखा जो घोंसले में बैठी हुई थी। यस, स्पेंड जाने के कुछ टाइम बिताया। स्पेंड के दो मतलब होते हैं, एक होता है कुछ खर्चना, पैसे खर्चना,
एक होता है वक्त बिताना, ठीक है। स्पेंड के दो मतलब होते हैं, एक होता है पैसे खर्चना, जब हम पैसे खर्चते हैं कुछ लाते हैं उसे भी हम स्पेंड करते हैं, आई हैव स्पेंड सो मच मनी, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। और एक होता है स्पेंड टाइम, यानी कि टाइम बिताया, जब हम अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं तो उसे भी हम कहते हैं आई हैव स्पेंड सम टाइम विद माय फ्रेंड्स। वेरी गुड। तो स्पेंड, उसने क्या कहाँ टाइम बिताया? वॉचिंग द फिश स्विम। क्या कर रही थी फिश? स्विम। स्विम का मतलब तैरना। स्विम का मतलब तैरना। वेरी गुड जॉब। ही ऑल्सो सीज अ स्पाइडर, और उसे क्या नजर आया? स्पाइडर। स्पाइडर से पहले क्या नजर आया था? स्पाइडर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? इधर से कोई नहीं, इधर से कोई नहीं, मुझे कौन बताएगा स्पाइडर क्या होता है? वैधुवाड़ी सेंटर, मकड़ी। वेरी गुड, मकड़ी। विद्या मैम कैमरा क्या हो गया? ओके मकड़ी, वेरी नाइस। क्या होता है स्पाइडर? होता है स्पाइडर मकड़ी, मकड़ी। ओके अच्छा, मकड़ी से पहले क्या मिलता है? फिश। फिश से पहले क्या था? नेस्ट। वेरी गुड चिड़िया। और बर्ड से देखो, नेस्ट से पहले क्या था? स्क्वीकिंग माउस। क्या था? स्क्वीकिंग माउस। देखो कल इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। और स्क्वीकिंग माउस से पहले उसने क्या देखा था? व्हेल। वेरी गुड। तो देखे स्पाइडर के बाद उसे क्या नजर आया? अरे ये कौन है, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। कौन है, किसका डॉगी है? वेरी गुड। कौन है ये? मत बोलो अभी, कौन है ये? कौन सा सेंटर बताएगा मुझे ये किसकी किसकी तस्वीर है? नाम बताओ इसका, नाम क्या नाम है इसका? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे। आप बता ही नहीं रहे हो, इतनी देर से मैं पूछ भी रही हूं, क्या नजर नहीं आ रहे? इतने देर से कुछ भी नहीं नजर आया? फर्स्ट टाइम आया था मैम, बीच में फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो फिर आपने बताना है ना मुझे मैम, कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं नजर आता है कई बार, तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि मैम नजर नहीं आ रहा है। ओके अब नजर आ रहा है मैम? यस तो मैम मैम अगर आपको इतनी देर से नहीं नजर आ रहा था, कितनी कौन सी स्लाइड से नजर नहीं आया फिर? तो इसका मतलब आपको कुछ नजर नहीं आया जो मैंने इतनी देर से पढ़ाया? क्या आपने वो स्नेल वाला स्लाइड देखा? तो नहीं मैम, फिर मैम ये इतनी मैं आगे निकल गई और आप लोगों ने बोला ही कुछ नहीं, मैं पूछ भी रही हूँ बीच बीच में, तो फिर कौन बताएगा मुझे इतनी दूर से? द टीचर्स हैव टू बी अटेंटिव बिकॉज अदरवाइज तो ऐसे कोई फायदा नहीं, आगे आगे बढ़ रही हूँ। क्या
ये देखा था, ये देखा था, ये देखा था, ये भी नहीं देखा था। ये कहता है वन सनी डे सैम टेक्स सैंडी फॉर अ वॉक इन द पार्क। एक दिन जिस दिन बहुत धूप, अच्छी धूप निकली थी, धूप वाला दिन था, रोशनी वाला दिन था, उस दिन सैम अपने डॉगी सैंडी को पार्क ले गया। कहाँ ले गया? तो कहाँ? पार्क के पास एक पॉन्ड था, तालाब था। क्या था? स्मॉल पॉन्ड। दे लाइक टू वॉक डाउन टू स्मॉल पॉन्ड। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल पॉन्ड। देखिए स्मॉल में आवाज है, स्मॉल पॉन्ड। तो एक छोटे तालाब के किनारे सैर करना उन्हें पसंद था। सैम सीज अ स्नेल। कितने स्नेल में? सैम सीज अ स्नेल। तो सैम ने सीज, सीज मतलब देखा। क्या देखा? स्नेल। सैम ने सैम ने क्या देखा? स्नेल। अ स्क्वीकिंग माउस। और क्या देखा? एक चू चू करता है, तो जो हाँ, जो चूहे की आवाज होती है उसे क्या बोलते हैं? स्क्वीक। अ माउस स्क्वीक्स, अ डॉग बार्क्स, अ कैट म्याउज। यस, सो अ माउस क्या करता है? स्क्वीक करता है। अ स्क्वीकिंग माउस यानी कि एक चू चू करता हुआ चूहा देखा। चूहे से पहले उसने क्या देखा था? Snail, very good. And the bird sitting in its nest. And a bird sitting यानी के बैठी हुई in its nest. देखो nest में भी s है, चाहे वो बीच में है पर s है। And a bird sitting in its nest. Very good. He spends some time watching the fish swim. So he spends. इसमें मैंने बताया था बेटा, spends के दो मतलब होते हैं. एक होता है जब हम पैसे खर्चते हैं किसी चीज के लिए, उसको भी हम इंग्लिश में spend कहते हैं. और जब हम अपने दोस्तों के साथ घर जाते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं? स्पेंड। तो ही स्पेंड्स सम टाइम वॉचिंग द फिश स्विम यानी कि वो थोड़ा टाइम मछली को तैरते हुए भी देखना देखता है, तो उसमें भी अपना थोड़ा वक्त बिताता है मछली को तैरते हुए देखना। ही ऑल्सो सीज अ स्पाइडर यानी कि उसने और क्या देखा? स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी। वेरी गुड। ये कौन है आप जरा पिक्चर में बताइए, ये कौन है? कौन है? डॉग का नाम बताया था मैंने बिल्कुल शुरू में। किसका डॉग है ये? सैम के डॉग का नाम क्या है? क्या नाम है? मेरे को किससे शुरू हो रहा है ये? सैंडी। एक्शन एक्शन। घूमर नहीं बनाना है, ये एहसेस।
जैसे एस का शेप होता है. हाँ वेरी गुड. जैसे एस का शेप होता है. सैंडी, सैंडी फाइंड अ स्टिक. सैंडी को क्या मिला? एक स्टिक. क्या सबको स्टिक नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा है? स्टिक. क्या है ये? स्टिक. वेरी गुड. सैंडी को क्या नजर आया? वेरी नाइस. तो देखते हैं वो स्टिक से क्या होता है. सैम थ्रोज द स्टिक एंड सैंडी रन्स आफ्टर इट. सैम जो क्या है वो क्या करता है? वो स्टिक को फेंकता है और सैंडी क्या करता है? उसके पीछे भागता है. रन्स आफ्टर इट. वेरी गुड. सो सैंडी रन्स आफ्टर. तो सैम स्टिक फेंकता है, सैंडी क्या करता है? उसके पीछे भागता है. सैंडी गोज ऑफ. सैंडी गोज ऑफ यानी कि सैंडी भागता है लकड़ी के पीछे. एंड स्नफल्स अराउंड द टास्क. स्नफल्स मतलब हाँ डॉग क्या करता है? स्नफल कहते बिल्कुल सही बात. ऐसे खेल भी होता है स्नफल्स. वो यानी कि हाँ यानी कि वो इधर उधर सूंघता है कि शायद उसे वो लकड़ी वहां से कहीं से मिल जाए. करते करते क्या होता है? सैंडी स्निफ्स अराउंड इन द ग्रास एंड स्टार्ट्स बार्किंग. यानी कि सैंडी जो है घास में जब सूंघते सूंघते फिर एकदम से खोंकना शुरू कर दिया उसने. क्यों भौंकना शुरू कर दिया उसने? कोई सोच सकता है सैंडी ने क्यों भौंकना शुरू किया? क्या हो सकता है घास में ऐसा? तो लकड़ी को तुमने क्यों भाग दिया था? स्नेल तो स्नेल है. स्नेल से थोड़ी डरेगा. स्क्वीकिंग माउस. चलिए देखे जरा सैंडी ने क्यों भौंकना शुरू किया. अगर उसे लकड़ी मिलती तब तो वो सैम के पास जाता ना लकड़ी स्टिक लेके. कृति तो क्या किया सैंडी ने? भौंकना शुरू कर दिया. Oh my God! Sandy skips over to see what Sam skips over to see what Sandy has. Sam skips over मतलब ऐसे झुक के देखना. Skip का मतलब ऐसे हम किसी के जैसे जैसे हम किसी के पीछे से देखते हैं क्या हो रहा है तो उसके पीछे से. हाँ skips over मतलब झुक के देखा सैंडी के पीछे. अरे तो सैंडी उसने देखा कि सैंडी को क्या पता ये क्यों भौंक रहा है? क्यों भौंक रहा है? वो किसने दिखा? शाबाश कभी कुछ ऐसा ही है. तो क्या आवाज आई वहां से? सब आवाज करेंगे. क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? और ये मेरे को ना ये बच्चों के एक्शन नहीं नजर आ रहा. हाँ वेरी गुड. तो ये आवाज जब आती है तो कौन नजर आता है? कौन नजर आता है? कौन नजर आता है? ये बाकी सेंटर के बच्चे मुझे बताएंगे जब ऐसे आवाज आती है घास में कौन नजर आता है? नहीं. वेरी गुड. क्या नजर आता है? अ बिग स्नेक. अ बिग बिग क्या? कैसा स्नेक है ये? कैसा स्नेक है? बिग स्नेक. और इस स्नेक के ऊपर क्या लगा हुआ है? बिग स्नेक बड़ा स्नेक.
अच्छा चलो, तो ये क्या है स्नेक के ऊपर? ये क्या है? क्या है ये? सामने जरा इधर सबको बताओ क्या है ये? इधर आओ, आओ आओ, बताओ आप सबको क्या नाम है? बच्चों प्रतीक्षा, प्रतीक्षा बताएगी ये सांप के ऊपर क्या है? ये क्या है? क्या है? सारे बच्चे बोलेंगे इसके साथ स्पॉट। स्पॉट यानी के धब्बे, जो धब्बे होते हैं स्पॉट्स। क्या है स्पॉट? क्या हमने ऐसे स्पॉट्स किसी और जानवर में देखे हैं? डॉग्स वेरी गुड। डॉग्स पे भी स्पॉट होते हैं। और वाओ वेरी गुड। और किस पे होते हैं? कैट पे भी हो सकते हैं। और लेपर्ड पे, चीता पे। ओके वेरी गुड। तो सांप देखते, टाइगर अलग है, लायन अलग है, चीता अलग है, लेपर्ड अलग है, पैंथर अलग है, माउंटेन कैट अलग है, बहुत अलग है। हाँ अभी नहीं, अभी ओके। सैम एंड सैंडी गेट, सांप देख के क्या होता है? सांप देख के क्या होता है? डर कैसे डर जाते हैं? जाते और क्या बोलते हैं डरने को हिंदी इंग्लिश में? हैं। ये बताएगा सबको जल्दी, डरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट। क्या हो गया? स्ट्रेट। कौन स्ट्रेट हो गया? स्ट्रेट सैम एंड सैंडी गॉट स्केयर्ड। वेरी गुड, गो बैक, गुड जॉब। और क्या हुआ? दे रन अवे। तो क्या हुआ? दे बिल्कुल, वो भाग गए। वो इतना डर गए कि वो वहां से भाग गए। अब हमने स्टोरी तो सुनी, पर हमने कहाँ गए बच्चे मेरे? हमने स्टोरी तो सुनी, लेकिन हमने ये बताइए कि हमने इसमें क्या सीखा? कुछ एस वाले वर्ड्स नजर आए हमें? कुछ एस वाले? वेरी गुड। आज हमने कौन सा सॉन्ग सीखा? कौन सा साउंड सीखा? हाँ एस साउंड सीखा। अब इसका एक सॉन्ग भी है, वो सॉन्ग खाली सुनेंगे। सॉन्ग है द स्नेक इज इन द ग्रास। स्नेक कहाँ है? ग्रास में। द स्नेक इज इन द ग्रास। और इसका ट्यून में आप एक बार सुनेंगे, सब सुनेंगे ध्यान से खाली। ओके अच्छा अरे क्या हो गया, चले जाओ मेरे। क्या हो गया इसको? ओ ये वीडियो तो अब है ही नहीं, सॉरी। चलो छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी बहुत लेट हो जाओगे तुम लोग।
नेक्स्ट टाइम करेंगे, सॉन्ग एक खुल नहीं रहा है बेटा, इंटरनेट में ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी हो। चलिए अभी ऐसा है, बताओ भाई। चलिए अब सारे बच्चे अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, पता नहीं ये भी चलेगा कि नहीं। चलिए देखिए ये चलेगा भी कि नहीं, नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आज नहीं चल रहा बेटा, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, नहीं चल रहा ना बेटा, वो भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा। चलो बेटा आज नहीं चल रहा है के? कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको, मैं चेक इट आउट कैसे होगा, नहीं चल रहा। तो आज की क्लास इतनी ही, आज हम एस लेटर का साउंड किया। कौन से लेटर का? एस एस लेटर का क्या साउंड है इसका? साउंड अब हम वेंसडे की क्लास में मिलेंगे, और टीचर्स प्लीज थोड़ा टाइम पे लॉग इन करेंगे, 3:30 बजे आपके पास लिंक आ जाएगा, तो by 4 एवरीबडी शुड बी ऑन द स्क्रीन। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बच्चा लोग आज क्लास में आने के लिए, और हम मिलेंगे आप वेंसडे को, ऑलराइट? और अगर आप स्टोरी देखना चाहो तो मैं आपके ग्रुप में भेज सकती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। यस।